एक मिडिल साइज बिजनेस वाले का कर्जा नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। नोटबंदी क्या थी, गब्बर सिंह टैक्स क्या था? भाइयों और बहनों, लुधियाना के दुकानदारों, आपको रास्ते से हटाने का काम था। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी, लुधियाना के छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, ऑटो इंडस्ट्री वाले, वो सब मर जाएं, खत्म हो जाएं और हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े उद्योगपतियों को आपका पूरा का पूरा काम मिल जाए। नोटबंदी का ये लक्ष्य था, गब्बर सिंह टैक्स का ये लक्ष्य था। मैं स्टेज से साफ कह देता हूं, अब मैंने टीम बुलाई, मैंने उनसे कहा देखिए 5 साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया, सिर्फ गरीबों से नहीं, छोटे बिजनेस वालों से, मिडिल साइज बिजनेस वालों से, लुधियाना के लोगों से, बेंगलोर के लोगों से, पुणे के लोगों से। मैंने कहा उन्होंने पैसा दिया, 5,55,000 रुपए कर्जा माफ किया, अब हम वही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देना चाहते हैं। मगर मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि यह पैसा सिर्फ गरीब लोगों को नहीं जाएगा। मैं लुधियाना के लोगों को कहना चाहता हूं कि यह जो पैसा है, ये आपके जो बिजनेसेस बंद पड़े हैं उसको जंप स्टार्ट करने का तरीका है। अब आप सुनिए, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, पैसा आपके जेब से निकाला, लाखों करोड़ों लोगों के जेब से निकाला, माताओं बहनों के घर से निकाला। जैसे ही उन्होंने पैसा निकाला, अनिल अंबानी के जेब में डाला, आपने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, डिमांड गिरा। जैसे ही डिमांड गिरा, लुधियाना की जो फैक्ट्रियां थी, छोटी मिडिल साइज वाली फैक्ट्रियां थी, उनके मालिकों ने कहा मार्केट कलैप्स हो गई है, दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा है, अब फैक्ट्री चलाने का कोई फायदा नहीं, और एक के बाद एक सब फैक्ट्रियां बंद होने लगी। अब न्याय योजना का पैसा आएगा, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 6,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का, 3,60,000 रुपए 5 साल का किसको मिलेगा? जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम की है उसको मिलेगा। लुधियाना में जो भी गरीब लोग हैं, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। जैसे ही जाएगा, आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, शर्ट, पैंट, जूता, साड़ी, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कपड़े, गाड़ियां, जो भी, जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही आपकी दुकानें चालू हो जाएंगी। जैसे ही दुकानें चालू हो जाएंगी, डिमांड पैदा होगा। जैसे ही डिमांड पैदा होगा, लुधियाना की सब छोटी मिडिल साइज फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं सीधी लॉजिक आपको समझा रहा हूं, जो लॉजिक देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नोटबंदी करके गरीब लोगों का नुकसान नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी, उस पर आक्रमण किया, लुधियाना के लोगों पर आक्रमण किया और हिंदुस्तान को चोट पहुंचाई। मैंने आपसे कहा कि मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, मैंने उनको बुलाया, उनसे कहा देखिए मैं एक बात समझना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, हम कितना कर सकते हैं? आप जाइए पता लगाइए, वापस आना, मुझे नंबर देना। वापस आते हैं, 5 महीने बाद स्टडी करके आते हैं, कहते राहुल जी ये लीजिए नंबर, कांग्रेस पार्टी का काम समझिए, राहुल जी ये लीजिए नंबर। मैंने कहा ये क्या है, 72,000 रुपए। भाइयों और बहनों, आपको समझना है, आपसे चौकीदार ने कितनी चोरी की है इसको आपको समझना पड़ेगा।
ये आपका पैसा है, 5 करोड़ परिवारों को हर साल 72,000 रुपए